हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने अभी अभी गोल्ड जीता है टोक्यो में, ओलंपिक में। तो आपको बता दूं, उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी है, इतना बड़ा खुलासा किया है, तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये बात सभी को जानना बहुत ज़रूरी है कि नीरज चोपड़ा ने आखिर क्या ऐसा बहुत बड़ा खुलासा किया है। बहुत चौंकाने वाली न्यूज़ है और ये वीडियो हर एज ग्रुप के, चाहे वो स्टूडेंट हों या बड़े हों या यंगर्स हों, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी सारी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दूँ, नीरज चोपड़ा जिन्होंने अभी अभी गोल्ड जीता है ओलंपिक में, भाला फेंक में, तो उनके बारे में एक चौंकाने वाली न्यूज़ आई है। सबसे पहले आपको बता दूँ, ये हरियाणा से हैं, हरियाणा के पानीपत से हैं और इन्होंने जो है एक पहले भी कई खिताब जीते हैं, सिल्वर भी जीता है और गोल्ड भी इन्होंने जीता हुआ है। तो आपको बता दूँ, ये एक गांव से हैं, इनके पिता खेती करते हैं और माता भी गाँव में ही रहती है और 17 लोगों की ज्वाइंट फैमिली में ये रहते हैं। इनकी जो कुल संपत्ति है वो 1 से 5 मिलियन की है और इन्होंने राजीव खेल रत्न पुरस्कार भी जीता है और 2018 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और अब मेजर इनका ध्यानचंद खेल पुरस्कार है। और आपको ये बता दूं, ये आर्मी में है, नेवी में है और आर्मी में ये जो हैं अभी जॉब कर रहे हैं और इनका मेन जो फोकस है खेल पर है। तो आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि इन्होंने पूरे भारत का नाम तो रोशन किया ही है, बल्कि इनके बारे में जो एक मेन बात सामने आ रही कि 11 साल की उम्र में नीरज का वज़न 80 किलो था और ये वज़न कम करने के लिए पानीपत स्टेडियम जाया करते थे। इसी दौरान उनकी जेवलिन की जान पहचान हो गई और फिर वो जेवलिन थ्रो में इनका करियर बनने लगा। इन्होंने इतनी अच्छी बात बोली है 4 लाइन में कि आप जो भी, चाहे किसी भी उम्र के हों, आप सबको ये 4 लाइनें सुनने के बाद इन पर गर्व महसूस होगा और ज़्यादा, और आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। तो वो 4 लाइनें क्या हैं मैं आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से 4 लाइन में अपने आप की जो जो आप कह सकते हैं कि जो सफलता है उसको बयां कर दिया है कि जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाले हो। यानी सही बात है बिल्कुल, जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी थकावट महसूस ना हो और सिर्फ आपके दिमाग में जिस भी फील्ड में आप मेहनत कर रहे हो उसी की सफलता दिमाग में घूम रही हो, आपको नींद उड़ जाए आपकी, तो आप ये जान लीजिए कि आप जो है इतिहास रचने ही वाले हो। तो अपने अंदर इतनी ज़्यादा वो क्रिएटिविटी जो है महसूस करिए, इतनी ज़्यादा अंदर अपने पॉजिटिविटी लाइए कि कोई भी काम करने से पहले आपको ये पता चल जाए, खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आज मैं इतिहास रच के रहूँगा। तो दोस्तों, और भी इसी की तरह जो लेटेस्ट अपडेट होंगे नीरज चोपड़ा के बारे में, आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।